वैसे तो आईपीएल को शुरू हुए 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन असल आईपीएल आज रात को शुरू होगी जब मैच होगा विराट कोहली वर्सेस रोहित शर्मा का, मुंबई इंडियंस वर्सेस होगा आरसीबी का मैच चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर, बैंगलोर का ये ग्राउंड होगा, मजे का माहौल होगा और मैं बड़ा एक्साइटेड हूं। उससे पहले भी एक मैच होगा राजस्थान रॉयल्स वर्सेज हैदराबाद का, लेकिन जो असल आईपीएल का मजा है वो रात वाले मैच से शुरू होगा। बात करेंगे कि आज वो कौन सी टीम है जो आज का मैच जीतेगी और वो कौन से एक्स फैक्टर्स हैं जो अपनी टीमों को मैच जितवाएंगे। वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दिस इज वली, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। रात वाले मैच के अंदर दिल्ली हार गई अपने लखनऊ से, मैच लखनऊ अपना जीत गया, 5 विकेट ली, मार्क वुड ने जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई। उससे पहले पंजाब किंग्स बारिश की वजह से 7 रन से अपना मैच जीत चुकी थी, वरना मुझे लग रहा था कि शार्दुल ठाकुर और सुनील नारायण मैच को चेंज कर सकते, लेकिन बारिश ने साथ नहीं दिया और पंजाब किंग्स अपना मैच जीत गई, केकेआर अपना मैच हार गई। लेकिन आज इन 2 बड़े मैच, पहला मैच है सनराइजर हैदराबाद का मैच है इनका राजस्थान रॉयल्स के साथ। अगर दोनों टीमों को देखा जाए तो दोनों टीमें ऑन पेपर सबसे ज्यादा खतरनाक मुझे नजर आ रही है, लेकिन सनराइजर हैदराबाद के 3 मेन फॉरेन प्लेयर जो कि साउथ अफ्रीका के हैं वो भी अवेलेबल नहीं है। क्लॉसन हो गया, मार्को जेंसन हो गया और एडन मार्करम जो कि इनके कैप्टन है, भुवनेश्वर कुमार इनकी कैप्टनसी करेंगे। अगर टीम की बात करें तो मुझे लगता है कि ये जिस कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे ये 4 फॉरेन प्लेयर्स ये वाले यूज करेंगे, हैरी ब्रुक, ग्लेन फिलिप्स हो गए, इसी के साथ साथ अकील हुसैन या आदिल रशीद में से कोई एक बॉलर यूज कर सकते हैं और फजल अक फारूकी को ये लोग यूज कर सकते हैं, बाकी जो इनके फॉरेन प्लेयर्स आएंगे तो उनको भी ये यूज कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मयंक अग्रवाल इनकी ओपनिंग करेंगे, इसी के साथ साथ इनके पास अभी जबरदस्त किस्म के प्लेयर्स ऑलरेडी ज्वाइन है। साथ अगर हम इनकी बॉलिंग की बात करें, वाशिंगटन सुंदर इनके पास है, नटराजन इनके पास है, उमरान मलिक इनके पास है, भुवनेश्वर कुमार इनके पास है, तो मतलब तगड़ी टीम है। दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल का संजू सैमसन है, जोस बटलर इनके पास है, इसी के साथ इनके पास ट्रेंट बोल्ट है, इसी के साथ बड़े ज्यादा बड़े बड़े नाम है, शिमरन हिटमेयर इनके पास है। लेकिन जो मुझे लगता है जो आज का मैच जीतेगा, मुझे लगता है कि जो आज का मैच है वो जीतेगी राजस्थान रॉयल्स। जी हां, मुझे लगता है कि इस मैच के अंदर राजस्थान रॉयल्स आज डोमिनेट करेगी। जोस बटलर जो होंगे और संजू सैमसन, ये होगा एक्स फैक्टर। संजू सैमसन के पास दोबारा से गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ गई कि अपनी टीम में जगह बनाए इंडियन टीम के अंदर, इस दफा आईपीएल अपनी टीम को जितवा के दे, क्योंकि हर दफा राजस्थान रॉयल्स एंड तक जाती है लेकिन ट्रॉफी जीत नहीं पाती। लेकिन संजू सैमसन को भी परफॉर्मेंस अच्छी दिखानी पड़नी है। संजू सैमसन बड़ा ब्रिलियंट किस्म का प्लेयर है, हमेशा आईपीएल का स्टार्ट बड़ा अच्छा करता है, लेकिन उसको चाहिए कि कल भी अच्छा स्टार्ट करे, अपनी टीम को मैच जितवाए। दूसरी तरफ अगर बात करें सनराइजर हैदराबाद की, तो उनकी टीम भी बड़ी खतरनाक है और जिस प्लेयर की मेरी नजर है वो है हैरी ब्रुक। मैं देखना चाहूंगा कि हैरी ब्रुक कैसी परफॉर्मेंस दिखाएगा। अगले मैच की बात करते हैं, बड़ा मैच है आरसीबी बना मुंबई इंडियंस, मतलब ये बड़ा मैच है, मजा आने वाला है देखने का और मैं बड़ा एक्साइटेड हूं। अगर बात करें दोनों टीमों की, तो दोनों टीमों के मेन बॉलर्स नहीं है। जी हाँ, एक तरफ हेजलवुड नहीं है अवेलेबल, उनको इंजरी है, वो जिसको कहते हैं 7 मैचेस के बाद अवेलेबल होंगे। दूसरी तरफ आपका रिचर्डसन और बुमराह अवेलेबल नहीं है, बुमराह की जगह तो रिप्लेसमेंट आ चुकी हुई संदीप वॉरियर। लेकिन बात यह है कि मुंबई इंडियंस की बॉलिंग क्या सिर्फ जोफ्रा आर्चर पर डिपेंड करेगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुंबई इंडियंस को और भी तगड़े बॉलर चाहिए होंगे, जोफ्रा आर्चर ने सिर्फ और सिर्फ 4 ओवर करना है, लेकिन हमने देखा जिस तरह से मार्क वुड ने बॉलिंग की, सिंगल हैंडली अपनी टीम को मैच जितवा दिया, तो जोफ्रा आर्चर भी ऐसी बॉलिंग करके मैच जितवा सकते हैं। तो जोफ्रा आर्चर को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि जिस बॉलर के पास पेस है वो यहां पे कामयाब हो रहा है। लेकिन अगर बात करें आरसीबी और मुंबई इंडियंस के मैच की, तो मुझे लगता है मेरा दिल कह रहा है, ये दिल कह रहा है कि आज का मैच है जो है वो आरसीबी जीतेगा। मुझे पूरी उम्मीद है आरसीबी जीतेगा। और आरसीबी की अगर टीम की बात करें, तो मैं समझता हूं कि विराट कोहली और फैफ डू प्लेसी को ओपनिंग करनी चाहिए, क्योंकि अभी इनको बॉलर के पास शॉर्ट है, तो इनको फॉरन बॉलर खिलाना पड़ना है। फिन एलन को भी आप चांस नहीं दे सकते, विराट कोहली से ओपनिंग करवाए, रजत पाटीदार को रखे टीम के अंदर, इसी के साथ साथ ग्लेन मैक्सवेल इस टीम का हिस्सा होंगे, 1-2 और इंडियन लोकल प्लेयर्स को रखे, दिनेश कार्तिक को रखे, माइकल ब्रेसवेल को लाजमी खिलाएं, हसरंगा को खिलाएं, इसी के साथ साथ एक और फास्ट बॉलर को टीम के अंदर शामिल करें, फॉरन बॉलर को, और आपकी जो कॉम्बिनेशन होगा वो अच्छा बनेगा। बात इनके पास सिराज भी अवेलेबल है, इनके पास हर्षर पटेल भी है, शहबाज अहमद भी है, तो इंडियन बॉलर्स इनके पास अच्छी हैं। इनको एक तगड़ा फॉरन फास्ट बॉलर चाहिए जो इनका टीम में खेलेगा। अगर बात करें मुंबई इंडियंस की, तो मुंबई इंडियंस के खिलाफ आपको पता होना चाहिए, जो भी रिसेंटली न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज गुजरी, ईशान किशन को माइकल ब्रेसवेल ने बड़ा पकड़ा हुआ था, तो माइकल ब्रेसवेल अगर खेलेगा आरसीबी से, तो वो पकड़ सकता है ईशान किशन को, रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, ये तो टॉप ऑर्डर पूरा डन हो गया ना। इसका नंबर 4 के ऊपर आएंगे तिलक वर्मा हो गए, नंबर 5 आपका टिम डेविड, नंबर 6 के ऊपर कैमरून ग्रीन भी हो सकते हैं। इसके बाद जिसको कहते हैं 2 बॉलर के साथ मुंबई इंडियंस जाएगा, एक हो गया जोफ्रा आर्चर, एक हो गया हैंड्रॉफ हो गया, क्योंकि इस वक्त रिचर्डसन तो है नहीं, तो इनको इन बॉलर के साथ जाना पड़ेगा, उनके पास ऑलरेडी कोई अच्छा फास्ट बॉलर नहीं है, तो ये इनकी प्लेइंग 11 हो सकती है। लेकिन अगर बात करें एक्स फैक्टर की, आरसीबी तो जीतेगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आरसीबी आज का मैच जीतेगा, लेकिन एक्स फैक्टर की बात करें, तो एक्स फैक्टर जो हो सकता है आरसीबी की बात करें, तो विराट कोहली एक्स फैक्टर है और रजत पाटीदार, मैं इसको देखना चाहूंगा प्लेयर को कैसी परफॉर्मेंस दिखाएगा। इसी के साथ साथ माइकल ब्रेसवेल भी मुझे लगता है एक्स फैक्टर साबित हो सकता है आरसीबी के लिए। मुंबई इंडियंस के लिए एक्स फैक्टर साबित होंगे सूर्य कुमार यादव भी बड़ी नजरें होंगे, इसी के साथ साथ जोफ्रा आर्चर मुंबई इंडियंस से मुझे एक्स फैक्टर लगता है। अगर मुंबई इंडियंस जीता, तो जोफ्रा आर्चर और सूर्य कुमार यादव की परफॉर्मेंस की वजह से ही जीतेगा। तो ये मेरी प्रिडिक्शन है, और जहां मैच है, अगर आपको मजे की चीज बता दो,
दूं अभी तक आईपीएल के जहां जहां मैचेस हुए जो होम टीम है वही मैच जीती है, तो मुझे लग रहा है कि इस दफा भी जो आरसीबी का जो मैच है वो होम ग्राउंड के अंदर मैच है तो आरसीबी जीतेगी। मुंबई इंडियंस का रिकॉर्ड रहा हमेशा, जैसे कहते हैं पहला मैच जो होता है आईपीएल का ये हार जाते होते हैं, तो आई होप कि ये वाला मैच भी आज वाला मैच हारे, आई होप इसे कहते हैं आरसीबी अपना जीत के साथ जो कहते हैं ना लीग अपनी शुरू करे और आगे जाके रोक करे। फिलहाल के लिए ज्यादा दीजिए, इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद दोबारा देंगे, तब तक के लिए अल्लाह।